सरकार की मंशा थी कि हर किसान को एक कैशमो मिले, एक रसीद मिले कि उस पर सारा आंकड़ा निश्चित लिखा रहे, तो उसी क्रम में ये व्यवस्था लागू की गई है। ये पारदर्शी व्यवस्था है कि जिस किसान को भी खाद दी जाएगी उसका आधार नंबर इसमें फीड होगा और वो यहाँ से लेके पूरे सर्वर में दिल्ली में NIC और FMS पे दिखाई देगा कि किस व्यक्ति को, किस किसान को आधार संख्या के द्वारा कितनी खाद उपलब्ध कराई गई है, ये रिकॉर्ड दर्ज होगा। और जो ये रसीद दी जाएगी इसमें सारा आंकड़ा लिखा होगा, कितनी बोरी है, किस दर पे है, कितना सरकार का अनुदान है, कितना किसान से पैसा लिया जा रहा है। मेन हमारे सरकार का ये उद्देश्य है कि हमारी जो फर्टिलाइजर है वो हमारे मेन किसान तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। तो अब इस मशीन द्वारा हमारा जो बिल्कुल किसान के स्तर तक हम मॉनिटरिंग कर पाएंगे कि हमारा जो है खाद कहाँ है। सबसे बड़ी इस मशीन से हमको सबसे बड़ी जो है सुविधा यही मिलेगी। क्या किसान का आधार कार्ड जरूरी होगा? हाँ, इसमें किसान का आधार कार्ड अनिवार्य है। किसान का आधार कार्ड लगभग बन चुका है, 1-2% है। उसमें हम लोग बराबर जो है प्रचार कर रहे हैं कि जिनका बचा रह गया है वो भी जल्द से जल्द बनाए।